अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तेरा उम्मती है, इसलिए नबी जैसा सवाब दूंगा, फजर पढ़ आदम जैसा सवाब ले जा, जोहर पढ़ इब्राहिम जैसा सवाब ले जा, असर पढ़ उसेर जैसा सवाब ले जा, मगरिब पढ़ अय्यूब जैसा सवाब ले जा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने मेरी उम्मत को चार नमाज दी और चारों नमाजों में नबी का वाक्या बताया, एक नमाज मेरी तरफ से भी तो दे दे। नबी ने मेराज पर कहा, एक नमाज मेरी तरफ से भी। अल्लाह ने कहा, पांचवी ईशा की नमाज वो नमाज है जो तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। इससे पहले जितने नबी आए, जितनी कौम आई, किसी ने भी ईशा नहीं पढ़ी, किसी ने भी ईशा, हदीस में लिखा, जितने नबी आए, जितने लोग आए, कभी किसी ने ईशा नहीं पढ़ी। अरे मेरे दोस्तों, कोई नबी ने ईशा नहीं पढ़ी, कोई उम्मत ने ईशा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने मेराज पर कहा, ये नमाज सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। और याद रख, फजर पढ़े तो आदम मिले, जोहर पढ़े तो इब्राहिम मिले, असर पढ़े तो उसेर मिले, मगरिब पढ़े तो अय्यूब मिले। अरे तेरी उम्मत को के ईशा पढ़े, तू हाथ पकड़ के मोहम्मद मिलेगा और हाथ पकड़ के उम्मती को जन्नत में पहुंचाएगा। ईशा में कौन मिलता है? इसीलिए लिखा है कि सबसे भारी नमाज ईशा की मालूम होती है। अरे होती कि नहीं होती? ईशा जितनी छूटती है ना, कोई नमाज नहीं छूटती। क्यों? इसलिए कि उसका सवाब बहुत भारी। शैतान आने, शैतान कहते हैं आदम का सवाब ले जा, इब्राहिम का ले जा, हाँ उजेर का ले जा, और मगरिब में तो सबको लाता अय्यूब का ले जा। लेकिन ईशा में कहता नहीं, टीवी सीरियल, टीवी प्रोग्राम, 2020 क्रिकेट की मैच, ईशा में आना नहीं। शैतान कहता ईशा में आना नहीं, इसलिए कि आएगा दूसरी नमाजों में, आएगा दूसरे नबियों का सवाब ले जाएगा। ईशा में आएगा तो मोहम्मद को लेकर चला जाएगा। भाई किसी नबी ने ईशा की नमाज पढ़ी? किसी कौम ने पढ़ी? सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, अब बताओ, अब पांचों की नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? देखो, सवाब है, रहमत है, बरकत है, मगफिरत है, लेकिन इससे बढ़कर क्या सवाब मिलेगा कि फजर पढ़ के निकलता होगा और हमारा नबी फखर करता होगा, ए आदम तुझे 300 साल पर जो मिला, मेरे उम्मती को 10 मिनट में मिला। होगा कि नहीं? जोहर पढ़ के निकलेगा, हमारे नबी कब्र में फखर करते होंगे, इब्राहिम इस्माइल को लिटा दिया था, छुरी चलाने वाला था, अरे मेरा उम्मती को देख, चार रकअत जोहर पढ़ के आया, वो सवाब लेके जा रहा जो तू लेकर गया था। मेरे दोस्तों, हमारे नबी असर में फखर करेंगे, मगरिब में फखर करेंगे, और जब हम ईशा पढ़ते होंगे तो नबी क्या कहता होगा? नबी कब्र मुबारक से कहता होगा, मेरा उम्मती ईशा पढ़ लिया, फिक्र मत कर, मैं तेरा बन गया, तू मेरा बन गया। मेरे दोस्तों, यही बात मैंने सूरत में बताई, 50 से ज्यादा लोगों ने मुझसे कहा था, 50 से कम या ज्यादा, इतना मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना इस वाक्य की बात तो हमने तय कर लिया, अगर 10 मिनट में आदम का सवाब मिलता हो, 10 मिनट में इब्राहिम की कुर्बानी मिलती हो, 10 मिनट में उजैर का ईमान मिलता हो, 10 मिनट में अय्यूब का रोना मिलता हो, और 10 मिनट में मोहम्मद का दामन मिलता हो, भाई कोई छोड़ेगा? ओ मेरे जवाहरपुरा के भाइयों, कोई छोड़ेगा? तो चलो हाथ ऊपर कर दो भाई, माशाल्लाह, इसी बात पर हाथ ऊपर करो और कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब भाई हर आदमी कहे, माँ बहन दिल में कहे, कहो इंशाअल्लाह, कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह मेरी एक भी नमाज कजा नहीं होगी। वादा पक्का ना? कहो ना वादा।